तो वही लगातार सालों से गाय मालिक गाय को रोड में लावारिस पशु की तरह छोड़ देते हैं, जिसका कारण एक तरफ आम लोगों का एक्सीडेंट होता है तो वहीं दूसरी तरफ एक्सीडेंट के दौरान गौ माता की भी मौत हो जाती है। आज जिला गौ रक्षक बजरंग दल ने पशु चिकित्सालय विभाग के डॉक्टर और गौ मालिकों के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि गाय में जो टैग लगाया जा रहा है वह भी टैग गलत टैग है, जिससे पशु के मालिक का पता नहीं चलता, और अगर आने वाले समय में पशु चिकित्सा अगर गायों का समय पर उपचार नहीं करेंगे तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज मामला हम लोग ये लेकर आए हुए हैं कि बरसात का मौसम आ चुका है, आए दिन हर जगह पर बड़े बड़े स्तर पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं खूट टूट रहा है, कहीं पैर टूट रहा है। पशु चिकित्सकों से पशु चिकित्सालय में संपर्क किया जाता है तो एक दूसरे का नंबर शेयर करते हैं कि वो मेरा क्षेत्र नहीं है, वो मेरा वार्ड नहीं है। ऐसी स्थिति बन जाती है कि एक घंटे, दो घंटे, तीन घंटे गौ सेवक लोग प्रयास करते रहते हैं और कोई भी पशु चिकित्सक पहुँच नहीं पाता, जिससे गौ माता की और जो भी वहाँ पर घायल रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, एक बात यहाँ पे इनकी ये आती है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, आप लोग गाड़ी में गाय को लेके आइए। अब एक गौ सेवक या एक शहरवासी जो रास्ता चलते जा रहा है वो कहाँ से गाड़ी की व्यवस्था करे? जब तक वो गाड़ी की व्यवस्था करता है, किराए से गाड़ी लाता है, तब तक गाय की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी तरफ से हमेशा लापरवाही देखने को मिल रहा है। संगठन अपने स्तर पर दवाइयों से लेकर इलाज से लेकर गाड़ी से रखने की व्यवस्था से पूरी कोशिश करता है कि गाय की जान बचाई जा सके, पर यहाँ के लोगों की यही कोशिश देखी जाती है कि जैसे कि तैसे गाय या तो मर जाए, या तो अंजोरा चली जाए, या तो गौशाला चली जाए। इनका यही जवाब रहता है कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, मेडिकल नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं। परसों के केस में ये देखा गया है कि स्टेडियम चौक में गाय का पैर से खून निकल रहा है और इनके पास दवाइयाँ